तो क्या पवन सिंह, जिसको अपना छोटा भाई कहते थे, पवन सिंह ने उसी को अपने टीम से अलग कर दिया है? हम बात कर रहे हैं अमित सिंह की। अमित सिंह वो इंसान है जिसको पवन सिंह स्टेज पर अपने इंटरव्यू में खुले मंच से बार बार उसकी तारीफ करते थे, अमित को अपना छोटा भाई बताते थे। पिछले 2-3 सालों से पवन सिंह जो भी काम करते थे, जो भी प्रोजेक्ट करते थे, हर प्रोजेक्ट में अमित पवन के साथ दिखते थे। अमित को भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बताते हैं कि वो पवन सिंह के चाणक्य के रूप में माने जाते थे। पवन सिंह को कैसे काम करना है, कैसे अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, कैसे नया स्टेज शो करना है, हर चीज़ को अमित सिंह देखते थे। और इसी कारण अमित सिंह को पवन सिंह अपने मैनेजर से ज़्यादा उन्हें अपना छोटा भाई बताते थे। पवन सिंह कहीं भी रहें, अमित सिंह हमेशा उनके साथ दिख जाते थे। अब उसी अमित सिंह के बारे में ये खबर आ रही है कि वो पवन सिंह से वो अलग हो गए हैं, और ये खबरें कहीं ना कहीं इसलिए उठ रही है क्योंकि करीब 2-3 महीने से अमित सिंह एक बार भी पवन सिंह के साथ नहीं दिखे हैं। 5 जनवरी को जो पवन सिंह का बर्थडे था, इसमें अमित सिंह पवन के साथ स्टेज पर दिखे थे, यानी कि उस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अमित सिंह का पवन सिंह के साथ दिखना एकदम कम हो गया। वो पवन सिंह के प्रोजेक्ट्स में, उनके स्टेज शो में या कोई इंटरव्यू में, जहाँ वो पहले हमेशा दिख जाते थे, वहाँ से वो एकदम गायब रहने लगे। और अब ये इंतजार और लंबा होते जा रहा है। इसी कारण भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी है कि पवन सिंह की टीम से अमित सिंह अब अलग हो गए हैं। अब पवन सिंह की टीम से अमित सिंह के अलग होने का कारण क्या बताया जा रहा है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। पिछले 3-4 सालों में पवन सिंह का कोई भी काम होता था, कोई भी नया प्रोजेक्ट होता हो, कोई भी नया गाना आता हो, फिल्म हो, या पवन सिंह कहीं स्टेज शो में गए हो, यहाँ तक कि पवन सिंह का लाइव तक जो भी हो रहा हो, हर चीज़ में अमित सिंह वहाँ पर जरूर दिख जाते थे। जो भी भोजपुरी के फैन हैं, पवन सिंह को पसंद करते हैं, उनके लाइव उनके प्रोग्राम्स को देखते रहते हैं, वो अमित सिंह को भली भांति जानते हैं। या वैसे फैन जो पवन सिंह में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, भोजपुरी फिल्म के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, वैसे लोग भी अमित सिंह का चेहरा जरूर पहचानते होंगे, भले वो नाम से ना जानते हो, क्योंकि फ्रेंच कट दाढ़ी में चश्मा लगाए वो इंसान हमेशा पवन सिंह के बगल में खड़ा मिलता था। अमित सिंह के आने के साथ पवन सिंह का काम में भी बदलाव आया था। उन्होंने भोजपुरी के अलावा बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स, गायकों के साथ कई सारे गाने किए। वो बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान, पायल देव, इन लोगों के साथ काम करते थे। पवन सिंह ने बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर, भारत के बेस्ट सिंगर्स में से एक सोनू निगम के साथ काम किया, उनके साथ गाना किया। इसके अलावा पवन सिंह खुद के भी कई सारे अपने हिंदी गाने लेकर आए। कुल मिलाकर देखे तो उनके साथ पवन का काम काफ़ी शानदार चला है। भोजपुरी में भी पवन ने काफ़ी सारे बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं। पिछले कुछ सालों में अगर पवन के सबसे बड़े हिट गाने पुदीना की बात कर ले, तो इसमें भी अमित सिंह का एक बड़ा रोल रहा है। उन्होंने अपने गाने का जमकर प्रचार कराया, जिसके चलते ये गाना इतना बड़ा हो पाया। साथ ही हरी हरी उड़नी के समय भी अमित सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि अमित सिंह जब पवन सिंह के मैनेजर थे, तो पवन सिंह ने काफ़ी बड़ा बड़ा काम किया, एक लेवल सेट किया। लेकिन उस समय पवन का एक अलग पहचान होता था, उनके काम करने का एक अलग तरीका होता था। तब वो बेहद कम गाने करते थे, बेहद कम स्टेज शो में वो जाते थे, और वो काम ही एकदम काफ़ी कम करते थे। और तब कहा जाता था कि पवन सिंह क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और इसीलिए वो कम काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि पवन का एक के बाद एक लगातार गाना आ रहा है, एक के बाद लगातार वो एक स्टेज शो कर रहे हैं। फरवरी मार्च के महीने की बात कर ले तो वो बैक टू बैक स्टेज शो कर रहे थे, रोज उनका कहीं ना कहीं स्टेज शो होता था। तो जो पवन महीने में 3 गाने गाते थे तो वो बड़ी बात मान ली जाती थी, वो अभी 5 दिन के अंदर में 3-3 गाने रिलीज कर दे रहे हैं। पवन सिंह का सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट भी काफ़ी बढ़ गया है। वो हमेशा अब लाइव आते रहते हैं, वो कहीं स्टेज शो करने जाते हैं तब भी उनके प्रोग्राम को उनके इंस्टा फेसबुक आईडी से दिखाया जाता है। और इसके अलावा पवन सिंह का ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी बदल गया है। आजकल वो किसी गाने में काम करें, किसी फिल्म में काम करें, या किसी स्टेज शो किसी प्रोग्राम में जाएँ, पवन सिंह का अलग प्रकार का अपना एक अलग ही डिजाइनर ड्रेस होता है, जो उनको बाकी सारे कलाकारों से अलग बनाता है। और इन सभी बदलाव के पीछे का कारण एक आदमी को बताया जा रहा है, और वो शख्स है पवन सिंह के काफ़ी करीबी दोस्त दीपक सिंह। वैसे तो दीपक सिंह पवन सिंह के पुराने दोस्त हैं, लेकिन बीच में वो पवन सिंह के साथ काफ़ी कम एक्टिव रहते थे। वो पटना में हो या कोई बिहार में अगर पवन सिंह का कुछ कार्यक्रम हो तो वहाँ पर दीपक सिंह एक्टिव रहते थे, वो सारा काम देखते थे। लेकिन मुंबई या बिहार से बाहर के क्षेत्र में सारा काम अमित सिंह देखते थे। लेकिन अभी दीपक सिंह पूरी तरह से पवन सिंह के साथ एक्टिव हो गए हैं। पवन सिंह कहीं भी जाए वहाँ पर दीपक सिंह होते हैं। अब वो दुबई तक भी जाते हों, वहाँ पर भी दीपक सिंह उनके साथ पूरे टाइम दिख जाते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दीपक सिंह के आने के बाद पवन सिंह की टीम से अमित सिंह थोड़े दूर हो गए हैं। और अब ये सिर्फ कयास है या इस खबर में सच्चाई है, ये तो पवन सिंह के टीम को लोग भी बता पाएंगे, पवन सिंह खुद कुछ बयान दे तो पता चल पाएगा। लेकिन ये हकीकत है कि अमित सिंह अभी पवन सिंह के साथ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो अपना शुभ लाभ फिल्म्स वाला काम देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी वो सारा काम देखते हुए भी पवन सिंह के साथ पूरे टाइम रहते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।